अभी मैं आपको एक गुलाब जामुन जो है वो कट करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर हम शीरा भी डालेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन कितने सॉफ्ट बने, ये देखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, किचन विद ज़ारा में आप सबका वेलकम है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज मैं आप लोगों के लिए ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ गुलाब जामुन की। इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और सॉफ्ट बनेंगे। तो मैं बताती हूँ इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पे मेरे पास हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा है, एक अंडा मैंने लिया है रूम टेम्परेचर पे, एक टेबल स्पून मेरे पास मैदा है, एक टेबल स्पून मेरे पास सूजी है, एक गिलास मेरे पास दूध का है, ड्राई मिल्क है मेरे पास, नीडो है। आपके पास जो भी ड्राई मिल्क है, फुल फैट होना चाहिए वो ले लें। और एक गिलास मैंने यहाँ पे शुगर ली है और एक गिलास पानी यहाँ पे मैंने चूल्हे पे रख दिया है और एक गिलास ही मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने कोई एक दो तार का शीरा नहीं बनाना, बस हमने शुगर और पानी को आपस में मिक्स करना है। जब शुगर डिजॉल्व हो जाएगी तो हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। बस 4-5 मिनट लगेंगे और हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। तो चले हम गुलाब जामुन का जो मटेरियल है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। बाउल ले लिया है यहाँ पे मैंने, इसमें मैं ये ड्राई मिल्क ऐड करूंगी, अच्छे से निकाल लेंगे। और ऑयल मैं आपको बताना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। आपके पास बटर है तो आप मेल्टेड बटर भी 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके गुलाब जामुन भी बहुत अच्छे बनेंगे। पहले मैंने एग्स के बगैर रेसिपी दी थी, वो इतने सॉफ्ट नहीं होते जितने ये सॉफ्ट होते हैं। ये ऑथेंटिक रेसिपी है। अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें मैं अंडा ऐड करती हूँ। और साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो मैंने मैदा लिया था वो भी ऐड कर दूंगी, 1 टेबल स्पून सूजी ली थी वो भी ऐड कर दूंगी, हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया था वो भी ऐड कर दूंगी। एक बात आपने माइंड में रखनी है, आपने बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मैंने चम्मच के साथ सब कुछ मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे ये थोड़ा पतला लग रहा है तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है ड्राई मिल्क और ऐड कर दूंगी। ये मैं 1 टेबल स्पून ड्राई मिल्क और ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अगर थोड़ा थोड़ा करके अंडा ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा। जी देखें ये रेडी है, गुलाब जामुन का मटेरियल हमारा बहुत अच्छे से रेडी है। तो अभी हम इसके बॉल बनाना शुरू करते हैं। बस ये अच्छे से मिक्स हो गया, अभी हम बॉल बनाना स्टार्ट करते हैं। शुगर अच्छे से डिजॉल्व हो गई है पानी में। अभी मैं इसमें एक इलायची ओपन करके डाल रही हूँ, तो इसकी फ्लेम मैं अभी ऑफ कर दूंगी। ये देखिए छोटे छोटे बॉल लेके इस तरह बनाएंगे हम, इस तरह मैं सारे बॉल बना लूंगी। बॉल हमारे रेडी हैं, आपने भी इतने ही साइज के बनाने हैं। बहुत ज्यादा बड़े भी अच्छे नहीं लगते, बहुत छोटे भी अच्छे नहीं लगते, ये मीडियम साइज के हैं। अभी ये इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है, ये थोड़े फूल भी जाएंगे तो बहुत अच्छा साइज हो जाएगा इनका। शीरा हमारा यहाँ पे रेडी है, इसका फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। और यहाँ पे एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है और मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म होने के लिए रख दिया है 4-5 मिनट के लिए। तो अभी हम इसमें अपने गुलाब जामुन डालना स्टार्ट करते हैं। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म होते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसमें एक गुलाब जामुन डालकर देखेंगे। ये देखें ये बबल्स आना स्टार्ट हो गए ऊपर, बिल्कुल हमें इतना ही ऑयल गर्म चाहिए।
ऑयल हमें जितना गर्म चाहिए था हो गया, तो हम इसमें सारे अपने गुलाब जामुन जो है वो ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ी ही देर में ये गुलाब जामुन ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे। और इनमें चम्मच वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलाना है। जब ये ऊपर की तरफ उठाएंगे, जिस तरह ये देखें जो हमने पहले डाला था ये उठाया ऊपर, तो इनको हम ऊपर से चम्मच की मदद से प्रेस करेंगे। और इसी तरह हमने इनका कलर जो है वो ब्राउन कर लेना है। जितना आपको कलर अच्छा लगे आप उतना इनको ब्राउन करें। अभी देखें ये 2-3 मिनट में ऊपर आना शुरू हो जाएंगे सारे गुलाब जामुन। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके गुलाब जामुन बहुत जबरदस्त बनेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल किचन विद ज़ारा सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। देखें सारे गुलाब जामुन ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गए, खुद ही इनकी साइड चेंज हो रही है, सभी पैन को छोड़ रहे हैं नीचे की तरफ से और फूलना भी स्टार्ट हो गए। याद रहे फ्लेम जो है हमने स्लो टू मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना। देखें सारे गुलाब जामुन ऊपर आ गए। इनको हम ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे। एक बात आपने माइंड में रखनी है कि इनमें चम्मच वगैरह कुछ भी नहीं चलाना है, बस जब आपको जरूरत महसूस हो आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से ऊपर से प्रेस कर लें इनको। आप लोग देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे गुलाब जामुन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है और ये साइज में बड़े होते जा रहे हैं। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये साइज में बड़े होते जा रहे हैं। मेरे जो गुलाब जामुन है यहाँ पे बहुत अच्छे कलर के हो गए, इनको मैं निकालूंगी और इधर शीरे में डालना स्टार्ट कर दूंगी। आधा घंटा हम इन्हें इधर ही डिप रहने देंगे शीरे में, तो फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इनकी। जी तो ये है हमारे गुलाब जामुन की फाइनल लुक। अभी मेरे पास जो बाकी शीरा है वो भी मैं इनके ऊपर डाल दूंगी। जितना टाइम हम इन्हें शीरे में रखेंगे उतना ही अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल किचन विद ज़ारा को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।